सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज है दिवाली और दिवाली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी की दिवाली अच्छी जाए, पटाखे थोड़े कम फोड़ना क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो गाइस, आज के ब्लॉग में आप लोग बने रहना, कंटिन्यू वॉच करना क्योंकि आज का ब्लॉग और ब्लॉग से काफ़ी अच्छा होने वाला है क्योंकि आज है स्पेशल डे, आज है फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। तो बस बने रहो आज के ब्लॉग में। और बाकी क्या क्या करते हैं आज पूरे दिन में वो सब आपको दिखाने वाले हैं। और शाम तक भाई क्या क्या होने वाला है, आज दिवाली है तो आपको पता है क्या क्या करने वाले हैं। तो बस ब्लॉग में बने रहना, काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है। ब्लॉग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए ब्लॉग को यहीं से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये ड्रिल मशीन रखी है और इधर देख सकते हो ये पाइप वगैरह है क्योंकि ये लगेगा ऊपर दीवार पे, क्योंकि मैंने जो मेरा सेटअप वाला जो यहाँ पे ये पर्दा दिख रहा है आपको, ये पर्दा मुझे यहाँ पे सेट कराना है जिससे मैं अपनी वीडियो को आराम से बना सकूँ। और आप लोग देख सकते हो ये पाइप है, ये ड्रिल मशीन है, ये मेरे ट्राईपॉड वगैरह रखे हैं, ये मंदिर है इसको भी हमें सेट कराना है उधर कॉर्नर में, इधर साइड दरवाजे के पीछे। तो ये सब बस लग जाएगा, अभी आपको दिखाते हैं। अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे बन रहा है ये खीस, और आप लोग देख सकते हो ये जो आया है पड़ोस में, हमारे यहाँ भैंस का दूध है, भैंस भी आई है तो उसका दूध आया तो उससे खीस बनाया जा रहा है। और देखिए चूल्हे पे बन रहा है भाई, चूल्हा स्टार्ट हो गया घर का काम खत्म होने के बाद। देख सकते हो शिखा सुबह सुबह खाना खा रही, क्या बना है, दाल चावल दबर, ये फिनिश भी हो चुकी है। देख सकते हो भाई भूख लग रही थी आज इसे बहुत तेज, बहुत तेज नहीं लगी थी, दाल चावल की, दाल चावल की जैसे मन हो गया। चीज़ देखिए बन चुका है पूरी तरीके से, अब बस थोड़ा सा ही रह गया है। और उसके बाद चूल्हा देखिए बुझ चुका है, अभी ये भी रेडी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो यहाँ पे भैया पर्दा लगा रहे हैं, और देख सकते हो नीचे ये सारा सामान फैला हुआ है, ऊपर देखिए लग चुका है क्योंकि बहुत मुश्किल से इस पाइप को सेट किया है यहाँ पर। और देखो भाई यहाँ से मेरा सेटअप हो जाएगा रेडी, और ये देखो बस सब कुछ रेडी हो चुका है, इधर साइड से भी लग गया, नीचे देखिए कितना नीचा पर्दा है, ये बहुत ज़्यादा ही बड़ा है। तो फ्रेंड्स अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ये मंदिर फिट हो चुका है, और देख सकते हो भाई इधर देखिए शिखा पर्दा समेट रही है पूरी तरीके से, देखिए काम पूरा हमारा हो चुका है। देख सकते हो आप लोग अच्छे से कस रहे हैं भैया ताकि ये बिल्कुल हिले डुले ना, एकदम से फिट हो जाए। तो फाइनली गाइज अब देखिए हमारा पर्दा पीछे लग चुका है जो कि हमारा सेटअप में आता है, और ये देखिए पीछे की साइड हमारा मंदिर भी लग चुका है। और देख सकते हो आप लोग यहाँ पे ये हम लोग मंदिर लेके आए थे उस दिन मार्केट से, और यहाँ पे पहले हमारा जो पहले वाला मंदिर था वो यहाँ था, वो स्लिप हमने यहाँ से तोड़वा दी क्योंकि बीच में पड़ता था तो यहाँ पे कुछ भी चीज रखने की नहीं बनती थी। अब हमारा पूरा रूम है, अब वो देखिए पूरा सेट हो चुका है, बाकी बेचारी पता नहीं कौन से सदमे में बैठी है। चलिए गाइस धीरे धीरे करके रूम पूरा तैयार, अभी झाड़ू वगैरह लगी नहीं है तो झाड़ू लगाते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं गुजिया वगैरह बनेंगी तो गुजिया भी बनाएंगे आज। बने रहो आप लोग, आज हमारा ब्लॉग को पूरा, लड़कियों का दिन तो ऐसा ही गुजरता है, लड़के पूरा एंजॉय करते हैं, लड़कियां घर का काम चूल्हा चौका, लड़के इधर घूमते उधर घूमते, इस दिन लड़कियों का काम ज्यादा होता है, लड़कों को आज पता चलती हो कि हमें फायदा है लड़का। फ्रेंड्स सब चलते हैं नहाने के लिए क्योंकि काफी लेट हो चुका है, 1 बज गया और अब नहाने का टाइम आया है क्योंकि सारे नल खाली नहीं थे कोई भी, और काम भी चल रहा था तो बस नहा नहीं पाया। शिखा दीदी नहा के आ चुकी है और वही बाल काट रही है, तो चलो हम भी चलते हैं नहाने के लिए, नहाने के बाद मिलते हैं। इसमें रिफंड मिला लिया है, अब इसमें पानी पड़ेगा, अब इसको बूंदी जाएगी, बूंद के बनने वाली भाई, इसमें गुजिया बनेगी बहुत ही टेस्टी, और चूल्हे पे बनेगी ना, चूल्हे पे, हाँ तो सही है, गरम गरम गुजिया। Finally guys, I am back, भूत। अब भाई नहा के आ चुके हैं, अब देखते हैं भाई गुजिया जल्दी जल्दी रेडी करते हैं, अब जल्दी से गुजिया का सारा मटेरियल यहाँ पे रख जाएगा, उसके बाद ही आपको दिखाएंगे गुजिया बनाते हुए, ठीक है। ये देखिए अंशिका भी इधर आ चुकी है, और मैं यहाँ पे अभी वो मतलब डरपोक, और अंशिका की तरफ से भी हैप्पी दिवाली आप सभी को। सारथी दीदी बहुत डरपोक है, दिवाली पे निकलती नहीं कहती है, खीर गिट्टी लग गई, तब तक के लिए बने रहे वीडियो में। गाइज आप लोगों को पता है कि जैसा कि दोस्तों गुजिया बन रही हैं, और देखिए मैं इतना खोया बचा के ले आई हूँ जो अपने खाने के लिए, और भाई मजे करेंगे क्योंकि खोया नहीं बचाया अगर गुजिया बनते हुए तो भाई कोई मजा नहीं आया। करेंगे मैं अपने खाने के लिए, सबका हिस्सा इसमें, सबका किसका है, तेरा हिस्सा तुझे दिया या नहीं दिया, थोड़ा थोड़ा एक थप्पड़ पड़ेगा, 50% ले लिया और कितना लेगा। चल भाग अब किसी को, रेड चल खा रही थी मैंने देख लिया, थोड़ा सा ये इतना ज्यादा खा लोगी ना तो पेट में भी नहीं रुकेगा, मेरा रुक जाएगा, तू ना माने तो देख ले मांगना मत, ठीक है। तो चलिए गाइस अभी गुजिया बनती है तभी मिलते हैं, क्योंकि अब गुजिया का देखिए सामान पूरा रेडी हो रहा है, और इधर साइड में आप लोग देख सकते हो ये मम्मी सामान लेके आ चुकी हैं, और यहाँ पर सब चीजें रख जाएंगी, हम लोग कमरे के अंदर ही बनाते हैं क्योंकि किचन में इतनी ज्यादा जगह है नहीं जिससे
वहाँ पे हम लोग बिल्कुल आराम से बैठ पाए, तीन चार लोग आ जाए यहाँ पे। फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हो गुजिया का काम शुरू हो चुका है और सभी लोग यहाँ पे बैठ चुके हैं। अभी सभी लोगों की ट्रेनिंग लगने वाली है, सभी लोग अपने अपने काम पे डट जाएंगे। ये देखिए आमिर खान बैठा है और देखिए इधर मलाइका मैम बैठी है। तो चलिए अभी गाने सुनते हैं थोड़े, क्योंकि दिवाली के दिवाली लग नहीं रही है बिल्कुल, काम में बोर हो जाओ, तो चलिए थोड़ा सा सॉन्ग सुनते हैं। और मलाइका मैम गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सरिता पटेल ऑफिशियल है, जो कि भाई ये गुजिया बनाने की तैयारी में लगी पड़ी है। मैं बेल रही हूँ गुजिया के लिए, तो आप लोग देख सकते हो। इससे मैंने कहा बेल तो भाई इसने तुरंत के तुरंत इसने ये चकला बेलन छोड़ दिया। चकला बेलन यही बोलते हैं शुद्ध भाषा में। हाँ तैयारी में मुझसे नहीं बेली जा रही, मैं नहीं बनाऊंगी। हाँ मुझे बस खाई जाती है। और मम्मी है, मम्मी यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग लोहिया बना रही है मम्मी, और ये लगी पड़ी, मैं भी रेस्ट कर रही हूँ, बहुत थक गई। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो ये मिठाई का डब्बा ये मिला है पापा को और यहाँ से। ओ भाई देख सकते हो मिठाई, ये मिठाई मिली है। बाकी इसके ऊपर का दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से बना हुआ है, देख सकते हो अजंता का डब्बा है। ये देखो भाई जिसको खानी हो आ सकते हो दिवाली पे मिठाई खाने के लिए, भाई आ जाओ सभी लोग। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हमारी गुजिया रेडी है बिल्कुल, और आप देख सकते हो सारी इकट्ठी करके रखी है। अब इनको तलने के लिए ले जाएंगे, देखिए तेल में तलेंगे अच्छे से घी में, और देखो भाई ये गुजिया निकल रही है ताज़ी ताज़ी। जब आप खाओगे गरम गरम तो आपको इसका स्वाद ही एकदम से अलग लगेगा, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। आप भी ट्राई करो एक बार, इसी तरीके से मैं इसकी रेसिपी डाल दूँगी अपने चैनल पर। फ्रेंड्स अभी देखिए ये पटाखे लेके आए हैं, और अभी दुकान से लेने गए थे और एक लेके आए थे गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति, जो कि आपको पता है कि दिवाली पे हर साल नई लाई जाती है। अभी हम आपको ये पटाखे खोल के दिखाते हैं आखिर इनमें कितने पटाखे निकलेंगे और क्या क्या है। तो चलिए इनको खोलते हैं और आपको दिखाते हैं। तब तक तो ये देखिए ये मूर्ति लेके आए थे, हटा भाई शकल के आ ही रही, मुझे शकल दिखाना जरूरी है। तो चलिए चलिए खोलते हैं पटाखों को। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो ये सारे पटाखे मैं लेके आई हूँ, जैसे कि ये देख सकते हो आप चकाई, जो कि हम लोग बचपन में भी काफी अच्छे से बजाते हैं और इन पे पैर से हम लोग कूद कूद के काफी मजे लेते हैं। और ये रहे रॉकेट, जो कि ये रॉकेट है ये केवल जाके सू आसमान में उड़ जाता है, और ये वाला रॉकेट है ये जाके एकदम से ऊपर से बोलता है और थोड़ी सी रोशनी करता है। तो शाम को जलाएंगे तो आपको दिखाएंगे। बाकी ये देखिए अनार, ये शाम हो ही चुकी है भाई, हमारे गांव में ज्यादा बड़े मिले नहीं थे, मार्केट हम गए नहीं लेने, तो आज इन्हें छोटे से काम चला लेंगे। बाकी आप लोग देख सकते हो ये मुर्गा छाप, मैंने पोल किया था कम्युनिटी में तो ज्यादातर लोगों को मुर्गा छाप पसंद थे, तो आज पूरे पूरे पैकेट में मुर्गा छाप में आग लगाएंगे। और मुर्गा छाप इतना महंगा हो गया है 10 की जगह 20 का। और देखो भाई इतने पटाखे पटाखों पे बहुत ज्यादा महंगाई है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। फ्रेंड्स अभी देख सकते हो आप लोग हमारी पूड़ी की तैयारी चल रही है, क्योंकि कल पड़ने वाला है ग्रहण, तो कल 4 बजे के बाद कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि 4:29 से ग्रहण शुरू हो जाएगा और शाम को 6:09 पे खत्म होगा। तो आप लोग बस आज एंजॉय करो, कल का तो पता नहीं कुछ, कल तो कुछ होने वाला नहीं है, घर पे बस सुबह उठो और शाम तक ऐसे ही पड़े रहो। देख सकते हो गाइस ये देखिए लाइट्स लगाई जा रही है यहाँ पे, करो सिगरा तो लग जाएंगे हमारी रहेगा। खाना बन रहा है यहाँ पे और खाना भाई बनने वाला है बस, और देखिए पूरा काम चूल्हे पे चल रहा है। ये देखिए मेरे पटाखे रखे हैं, अभी मैं इनको एक एक करके जलाऊंगी भाई, बहुत सारे ले आई हूँ। ये वाले देखो इतने ही आए हैं अभी, तो ये गांव वगैरह में तो ऐसे ही मिलते हैं, मार्केट जा नहीं पाए, बहुत ज्यादा भीड़ होती है मार्केट में। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो ये देखिए हमने लाइट्स लगा ली है, और देखिए ये ऊपर की साइड में ये लाइट लगी है, काफ़ी रोशनी हो गई है। ये देखिए ज़मीन पे ये वाला हमने बल्ब लगा दिया है और आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए काफ़ी रोशनी ये भी कर रही है, क्योंकि मैंने ये लाइट्स मंगाई थी। और यहाँ पर देखिए ये भी काफ़ी रोशनी कर रही है, देख सकते हो आप लोग, काफ़ी बढ़िया लग रहा है देखने में अब थोड़ा लगा अच्छा। और देखिए ऊपर की साइड में ये पूरा लगा है, और इधर साइड में देखिए ये चाची की छत पर लगा है, तो बस ये पूरी देखिए डेकोरेशन कम्प्लीट हो चुकी है। अब चलिए चलते हैं, रेडी हो जाते हैं। तो फ्रेंड डेकोरेशन कंप्लीट होने के बाद अब चलिए रेडी होते हैं, क्योंकि अब थोड़े नए कपड़े पहन लेते हैं, क्योंकि सभी लोग नए कपड़े पहन रहे हैं। वैसे मैंने सोचा नहीं था नए कपड़े पहनने हैं, तो चलिए चलते हैं, जल्दी से रेडी होते हैं। बाकी इधर साइड में भी हम लोगों ने एक बल्ब लगवा दिया है जिससे रोशनी रहे, और आप लोग यहाँ पर देख सकते हो इधर साइड पर पहले रोशनी नहीं थी, तो अब देखो यहाँ पर भी पूरे में रोशनी हो चुकी है भाई, अब सही लग रहा है थोड़ा, अब थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि दिवाली में कहीं भी अंधेरा रहे तो अच्छा नहीं लगता है, वो भी लाइट्स का फेस्टिवल है। तो चलिए ये देखो मुंह हाथ धुल के निकल ली, और मैं भी मुंह हाथ धुलती हूँ, चलते हैं। फ्रेंड्स हो चुके हैं रेडी, और आप लोग देख सकते हो ये रही मलाइका मैम, दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं आप लोग लोगों को, सभी को फिर से एक बार दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भाई पूजा बिल्कुल रेडी है पूजा होने के लिए, देखिए यहाँ पे
सब कुछ रेडी है, बस हम लोग रेडी होने के लिए रह गए थे। तो बस अभी मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे दीपक जलाए जाते हैं और लक्ष्मी गणेश जी और मतलब जो सरस्वती माता होती है इनकी पूजा की जाती है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ बाकी पूजा में बैठती है। देख सकते हो आप लोग यहाँ पे काउंटिंग कर सकते हो कितने ज़्यादा दीपक जलाए जाते हैं और कुछ डीवट होती है उनको जलाया जाता है। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो अभी बस पूजा होने वाली है, थोड़ी देर लगेगी और यहाँ पे मिठाई वगैरह सब कुछ चढ़ाई जाएगी। तो चलिए यहाँ पे पूजा को संपन्न करते हैं, उसके बाद पटाखे वगैरह जलाएंगे। तो फ्रेंड्स पूजा हो चुकी है संपन्न। अब दोस्तों जो दीपक है, अब उन दीपक को सबको दोस्तों पूरे घर में जगह जगह पे रख दिया जाएगा, कोने कोने में, क्योंकि इससे क्या माना जाता है कि घर में सुख समृद्धि आती है। तो चलिए रख देते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये सारे दीपक जा रहे हैं, पूरा ये देखिए ये मोमबत्ती लगी है, उधर साइड में देखिए ये गाँव में देखिए पूरा यहाँ से चमचमा रहा है, पूरा काफी अच्छा लगता है गाँव के अंदर। देखिए ये पूरी बाउंड्री वगैरह है, नहीं तो मैं आपको पूरे गाँव में दिखाती, सभी ने बाउंड्री वगैरह करा ली है। इधर देखिए हमारी छत पे लगी है और यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से मैं नीचे की साइड दिखाती हूँ अपने घर का। देखो भाई कुछ इस तरीके से हमारा लुक आ रहा है। बाकी इधर देखिए चाची की छत पे लगी है, ये देख सकते हो भाई हमारी गली का नज़ारा कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है, देख सकते हो आप लोग यहाँ पे, और इधर साइड में आप देख सकते हो। और मैं आपको आगे चल के थोड़ा सा और दिखाती हूँ, देखो भाई अभी कुछ दिवाली में इस तरीके से लग रहा है। देखो हमारी गली सबसे ज़्यादा चमचमा रही है भाई, देख सकते हो आप लोग खुद ही, ये देखिए सिखा निकल के आ रही है। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो रेडी हो चुके हैं, तो भाई गली बहुत अच्छा लग रहा है और अभी रात में ज्यादा बढ़िया लगता है, पूरा दिन तो काम करते करते ऐसे निकल गया, पर अब मजा आ रहा है, फुली एंजॉय कर रहे हैं। अंशिका भी देखिए रेडी हो चुकी है, लॉन्ग स्कर्ट, मजा आ गया, क्या बोलती है ना, और इससे बोलती क्या उड़ा हॉट एयर बलून, अपने आप नाम दे रहे हैं भाई, देखो इसे उड़ाया जा रहा है। चला गया भाई, भाई जा रहा है धीरे धीरे, देख सकते हो आप लोग, ये देखिए भाई पूरी चिल्लर पार्टी इसको देखने के लिए आ चुकी है, अभी हमने उड़ाया है, देखो भाई उड़ गया, अब इसका इंतजार खत्म करो भाई जा रहा है। फोटोज विद फैमिली भाई, देख सकते हो कैमरामैन, ये देखिए सारे लोग फोटो खींच रहे हैं और देख सकते हो चाची बड़ी अकेले में खड़ी। मार मार मार, वेरी गुड। फ्रेंड चलिए सारे पटाखे बजा लेते हैं, उसके बाद ही मिलेंगे क्योंकि मेरे फोन का स्टोरेज फुल हो गया, क्योंकि आज मैंने बहुत सारी वीडियोस बना ली है और मेरे मेमोरी कार्ड पड़ा हुआ नहीं है। तो चलिए मिलते हैं अभी बस बाद में, अब तो बस कुछ नहीं रहा, अब मौज करते हैं क्योंकि वीडियो बनाते बनाते भी कुछ एंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो चलिए सारे पटाखे बजा लेते हैं और ये दिखाओ भाई, अब मैंने ही पटाखा बजाया मुर्गा छाप। तो चलिए चलते हैं, आप लोग ये देखिए पूरा पीपा फाड़ दिया है पटाखा बजा के, और देख सकते हो यहाँ पे बहुत ज्यादा मौज हो रही है। अरे पीपा गया, पीपा गया। ये जाएगा आसमान। सत्ता लगा ना, किनको है ना, मुमताज है, मुमताज, अरे बे,
तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों ने इस ब्लॉग में काफी एंजॉय किया होगा। अब इस ब्लॉग को यहीं पे लास्ट करेंगे क्योंकि हो गया पूरा दिन और दोस्तों थक चुके हैं बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि अभी मतलब जो पटाखे जलाए थे तो पटाखे की आवाज़ से मतलब सिर में पूरे में दर्द हो रहा है और आंखों के सामने धुंधलापन छा गया है, क्योंकि जो उनकी रोशनी निकल रही थी ना तो उसमें से जो धुआं आ रहा था तो धुएं से पूरी आंखें बिल्कुल दर्द कर रही हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो ब्लॉग को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड अगेन आपको हैप्पी दिवाली।